नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम जीवन साथी में। और दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे रूबरू करवाते हैं ऐसे विवाहित जोड़ों से जो कहीं ना कहीं नीरस सी जिंदगी में अपनी मिश्री सी मिठास समझदारी से घोल देते हैं, और साथ ही साथ परिवार के जो बिखरे हुए मोती होते हैं उन्हें एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद हैं ऐसे ही खूबसूरत कपल। इनके बारे में कुछ परिचय इस तरह से देंगे कि जी हाँ, अधूरे ख्वाबों को स्वर से अपनी आवाज़ देते हैं आप, अधूरे ख्वाबों को स्वर से अपनी आवाज़ देते हैं आप। साथ ही साथ जी हाँ, ज़िंदगी की जो उड़ान है उसको साथ देते हैं आप जी हाँ। और खिलखिलाती हुई मोहिनी के जीवन साथी सुर में डॉक्टर मदन झाटा है आप। नमस्कार सर, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जिस तरह से आप जान ही गए हैं, हमारे बीच इस कार्यक्रम में मौजूद है आपकी अपनी जानी पहचानी आवाज़, और जी हाँ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सेवाएं देने वाले डॉक्टर मदन झाटा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी वर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। अक्सर आप मंच पर अकेले आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं, दर्शकों का दिल मोह लेते हैं, लेकिन आज आप अपनी धर्मपत्नी के साथ कार्यक्रम में आए हैं, तो किस तरह की अनुभूति आप आज महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे जो शायद मैंने भूतपूर्व मैंने जो कर्म किए हैं संगीत के क्षेत्र में, जो शायद मेरा जो भी ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया सभी से रूबरू होने का, वो कर्म मुझे आज इस कदर जो पे कर रहे हैं कि आज इतने बड़े मंच पर, इतना दूरदर्शन का इतना बड़ा चैनल है, यहाँ आने का, एक वो भी अपनी धर्मपत्नी जी के साथ मुझे मौका मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज मुझे ऐसा फील होता है कि सच में जो मैं काम कर रहा हूँ वो सच में बहुत अच्छा है, और ये फीलिंग मेरे लिए बहुत अच्छी है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी। तो सर झाल्टा जी, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत आपकी मधुर स्वर लहरियों के साथ की जाए। मैम के लिए कोई गीत आप कार्यक्रम के आरंभ में प्रस्तुत करना चाहें। और इसी बीच मैम, आपके सामने एक कार्ड पड़ा है, आप इसे बस एक शब्द आप इसमें फिल करना है। मुझे लगता है कि जब मैं इनसे मिला था तो मुझे मोहम्मद अजीज़ साहब के गाने बहुत पसंद हैं, तो दो लाइनें में वो ज़रा कोशिश करता हूँ। सिर्फ वन है ना। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, के लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। बहुत खूबसूरत सर। तो मैम, जिस तरह सर आपके लिए आज इस अंदाज में गा रहे हैं और ऑडियंस में सिर्फ आप ही हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? सबसे पहले तो मैं डीडी हिमाचल का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज मुझे मेरे जीवन साथी के साथ यहाँ पर आमंत्रित किया है, और मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मुझे इन जैसा लाइफ पार्टनर मिला है, और एक समझदार और हर एक फीलिंग को समझने वाले, तो मैं बहुत खुशकिस्मती हूँ। मैम, क्योंकि आज कार्यक्रम जीवन साथी में आप आए हैं झाल्टा जी के साथ, तो मोहिनी मैम, आप किस तरह से अपने जीवन के इस सफ़र को बयां करना चाहेंगी? कब पहली बार आप झाल्टा जी से मिले और मिसेस मोहिनी झाल्टा बनने का ये सफ़र किस तरह रहा? सबसे मतलब उन दौरान मैं नर्सिंग कर रही थी कालाम से, तो उसी बीच में मेरी मुलाकात इनसे हुई थी, और उस बीच में मैं हमारे एक फंक्शन होता है वहाँ पे, टूर्नामेंट्स चली थी 19 नवंबर, तो उन दौरान ही वहाँ पे उनका प्रोग्राम था, तो फिर मतलब काफ़ी अच्छा गाते हैं, और बस मैंने इनको वहाँ पे सुना और उसी बीच से फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी थी, फिर हमारी बातचीत होती रही और आज हम दोनों एक साथ हैं यहाँ पर। जी, यानी कि आपने सर को पहली बार, यानी झाल्टा जी को पहली बार स्टेज पर देखा। हाँ जी, मंच पर देखा, और उनकी प्रस्तुति से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि आपने उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। झाल्टा जी, आपके और आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, जिस तरह से मैम तो आपकी आवाज़ पर फिदा हो गई थी, तो किस तरह से आपके विचार हैं अपने जीवन संगिनी को पाने में, किस तरह आपको लगा कि मोहिनी जी एक परफेक्ट आपके लिए पार्टनर है?
ये वैसे तो कहते हैं कि जो जोड़ा है वो ऊपर वाला तय करता है, हम सिर्फ कुछ एफर्ट्स करते हैं। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मेरी शादी इनके साथ होगी। और शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, कि शुरू में जब इनकी मुझे रिक्वेस्ट आई तो मेरे पास तो मोबाइल भी सिंपल था, लेकिन मेरे दोस्त की आईडी बनी थी उस पे, दोस्त के फ़ोन में मैंने अपनी आईडी ओपन करी थी। तो मुझे ये भी नहीं मालूम होता था कि ये फ्रेंड रिक्वेस्ट होती क्या है। तो कहते ये दोस्त बनते हैं बहुत सारे, तो मैंने कहा ठीक है भाई। उन दिनों मैंने नया कलाकार बना ही था, 2012 में मेरी पहली एल्बम आई थी और 2013 में मैंने प्रोग्राम किया था इनके एक क्षेत्र में। जी तो वो रिक्वेस्ट एक सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, ना कभी इन्होंने सोचा था कि ये हम आज ये रिश्ता जुड़ेगा। लेकिन बाद में जब बातचीत होती रही तो मैं इन्हें ट्रीट करता था इस तरह से कि आप बहुत अच्छे हैं, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप नर्सिंग कर रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जी तो मैं उस टाइम PhD कर रहा था। तो हुआ क्या कि जब मुझे ऐसा लगने लगा कि ये अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो रही है, तो मैंने इनको एक बात क्लियर कर दी कि मेरी सगाई हो गई है, जी इसीलिए क्या आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो कहते कोई बात नहीं। तो लेकिन अगर मैं कंप्लीट करूं अपनी शादी तक के सफ़र को, जी तो मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए सिरसा गया था, हरियाणा सिरसा। जी तो मैं इनसे पहली बार नाहन में मिला था और इनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत केयरिंग लगा। और उसके बाद जब मैं कैथल में पहुंचा, मेरे दोस्त के दो जुड़ा बच्चे थे, कहते जी तूने शादी नहीं की भाई, मेरे तो दो दो बच्चे हैं। मैंने कहा यार तूने बताया नहीं, ऐसी ऐसी बातें हमारी होती रही। और बाद में इनका फ़ोन आया जी और मेरे एक्सक्यूज़ ये थे कि मैंने कहा कोई लड़की नहीं है यार जो मतलब मुझे शायद जो मेरे हिसाब से हो। इनका फ़ोन आते उस व्यक्ति ने मेरे दिल में ये बात पैदा की कि भाई जो लड़की आपको 10-11 बजे रात को फ़ोन कर रही है ये पूछने कि आप पहुंच गए, तो इट मीन्स वो केयरिंग है आपको, वो जानती है आप उसके बारे में क्या सोचते हो। फिर मुझे लगा, मैंने कहा मैंने कभी सोचा ही नहीं। जी बस वही एक बात थी कि जब मैंने इनके बारे में उस नज़रिए से सोचना शुरू किया था। और बिल्कुल मैंने उसी शाम को इनसे बहुत सारी बातें क्लियर कर दी और 6 दिन के अंदर मैं इनसे फिर से मिला और मैंने बोला कि हम अगर आपको लगता है कि मैं आपकी लायक हूँ तो जी यानी आप कि मुझसे पहल शादी। आपकी तरफ से पहले की गई थी। बिल्कुल वो जी पहल मेरी तरफ से थी। जी तो मैम सर ने तो बड़े अच्छे से बयां कर दिया किस तरह से आपके लिए इनकी फीलिंग रही है और किस तरह से इनके मन में विचार आया कि यही वो लड़की है। तो मोहिनी जी आपका क्या कहना है अपने परिवार, क्योंकि लड़कियां जो होती है अपने परिवार वालों के लिए समर्पित होती है, और पीहर में अगर बात करें तो माता पिता की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है, तो किस तरह आप अपने माता पिता को मना पाए और किस तरह झाल्टा जी की बारात आपके दरवाजे तक आई? मैं चाहूँगी कि खुद ही एक्सप्लेन कर दे इस बात को, क्योंकि बहुत अच्छे से जानते जी हैं तो आप ही बता दे। ऐसा हुआ था कि देखो मैं बोलूं कि बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं माही के, मैं प्यार से माही बोलता हूँ। जी और जब हमने रिश्ता पक्का कर दिया तो मैंने घर में बात तक नहीं करी थी, इनके घर में जी मतलब मतलब ये था कि ये मुझे हर पहलू पे आगे रखते कि माही आप बोलो, माही आप बोल देना। और मतलब जब हमारी इंगेजमेंट होती है जी और ये क्या करता है ये, मतलब मेरे पेरेंट्स इनकी बिल्कुल बातचीत बिल्कुल भी इन्होंने मतलब बात नहीं करी थी, कि मतलब जो था सब मेरे लेवल पे था कि बस आप जाके बोलो कि ऐसे ऐसे हमारे, और इधर से मेरे पेरेंट्स मतलब ऐसा हमारा बॉन्ड है मतलब पेरेंट्स के साथ कि बिल्कुल फ्रेंडली, कि जो है मतलब आप घर में आके बोलो बेटा, ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके मतलब कुछ ऐसे करो, कि जो भी है सब सच रख दो अपने पेरेंट्स के सामने। जी तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि ऐसे ऐसे आज वो आ रहे हैं, और फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं कम से कम देख तो ले हम है कौन है, और उन्होंने फिर भी मतलब बात नहीं करी थी मेरे पेरेंट्स ने पेरेंट्स से। जी तो फिर यानी आएगी सर का पूरा विश्वास था कि आप अपने हाँ लेवल पर संभाल लेगी। बिल्कुल जी इन्होंने एक बात मुझे कही थी, कहते मैंने ज़िंदगी में एक ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और वो आपको भेजी है, और दूसरा मेरे माँ बाप ने मुझे ये बताया है कि बेटा जब अगर कभी, क्योंकि बचपन से लेकर उन्होंने बड़े अच्छी परवरिश दी है, और जब मैं बड़ी हुई प्लस 2 के बाद नर्सिंग करने के लिए गई तो जी
ये बोला था कि अगर कोई पसंद आ जाए तो कहते बेटा घर में बोलना। तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसी लड़की जो कि इन्होंने मुझे बताने से पहले अपने घर वालों को पहले बता दिया था जी कि मुझे वो पसंद आए हैं। तो मैं बहुत हैरान हूँ इस बात को लेकर, इतना क्लियर हार्टेड एम आई। तो बाद में जब ये सारी बातें हुई तो पेरेंट्स ने कबूल किया इस रिश्ते को और हम लोग वहाँ तक पहुँचे। और जी तो बहुत मैं मोहिनी जी, प्यार से आपको माही कहा जाता है सर के द्वारा, जी तो हम भी आपको माही कह के पुकार रहे हैं। बिल्कुल मैम। माही जी, जब बारात आपके द्वार पर थी तो किस तरह की फीलिंग आपके दिल में चल रही थी, क्या सोच रहे थे? क्योंकि आप सिरमौर से संबंध रखती हैं और सर ठियोग से संबंध रखते हैं, क्योंकि माहौल दोनों का, रिचुअल्स, संस्कृति, समाज अलग अलग थी, तो कैसा माहौल था? और क्या कहते हैं ना, वो दिमाग में कुछ चल रहा होता है आने वाले परिवार को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर। मतलब वो फीलिंग तो मैं बयान नहीं कर सकती, तो बहुत खूबसूरत सी थी, क्योंकि जिससे प्यार किया उसी से शादी। और जब मैं उस घर में गई तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक बहू हूँ। और मतलब जैसे गांव वाले आते हैं, लेडीज़ आती हैं देखने आते, कि बहू को देखने आते, तो जो मेरी मदर इन लॉ, वो इतने, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरी एक सासू माँ है। तो मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस कराते कि ये बहू नहीं है, कहते ये मेरी बेटी है। जी तो मतलब मुझे ना, मेरी आंखें, मतलब अभी भी ऐसे जी इमोशंस आ रहे हैं मुझे ना, तो मतलब मुझे लगा कि मैं लग ही नहीं रहा था कि मैं घर छोड़ के दूसरे घर में आई हूँ। जी और बहुत प्यार मिला, मेरी जो फैमिली है वो बहुत, मतलब बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग है। और मैं अभी भी, मुझे लगता नहीं कि मैं बहू हूँ, बिल्कुल एक बेटी की तरह रह रही हूँ अभी तक। जी मतलब सभी के नाम पे चाची, माही, मतलब बहुत केयरिंग है, बहुत सपोर्टिव जी फैमिली है, बहुत ज़्यादा। झाल्टा जी, माही जैसे ही आपके कहते हैं आपके घर पर आई, आपके द्वार पर आपने वधू प्रवेश किया इनके साथ, तो क्या लग रहा था? क्योंकि आपकी अपनी पसंद थी, तो कितनी चुनौतियाँ आपकी आपको लग रही थी, आपका सामना होगा, किस तरह से माही ने आपका पूरा साथ दिया इस सफ़र में? मैं सच में लक्की मानता हूँ कि जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ वो एक लोकगायक का एक जो कैरेक्टर आंकते हैं लोग, जी वो शायद मुझे ये भी लगता है कि कहीं फैमिली को लेकर कुछ डिस्टरबेंसेस रहती रहती है, क्योंकि अब हम नाचते गाते हैं, हमें सबके साथ एक्टिंग करनी होती है, डांस करना होता है, बाहर जाना होता है, प्रोग्राम देना होता है। जी तो मैं कहूँ कि मेरी शादी के दौरान कुछ कंडीशंस मैंने रखी थी, जी वो शायद इसलिए थी, ऐसा नहीं था मैं इनके काबिल पहले ही नहीं था, मैं ऐसे बोलता था। इनकी फैमिली बहुत अच्छी थी, जी मैं बहुत मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन डेडिकेटेड रहा हूँ मैं अपने परिवार के लिए, हमारी जॉइंट फैमिली रही है। तो मेरे ये कंडीशन थी कि मैंने कहा माही, अगर आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हो या प्यार करते हो जी तो मैं सिर्फ हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और मैं कभी उनसे दूर नहीं होना चाहता, और मैं एंड ऑफ द लाइफ मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहूँगा, क्या जी तू इस बात को मानती है? तो पेरेंट्स बोली थी सच्ची बात और क्या हो सकती है, कहते सब लोग अगर मिल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरी कंडीशन मेरी ये थी कि मैंने कहा अगर आज आप मुझे जानते हो, मैंने कहा तो अगर मुझे आज पूरा शिलाई जानता है तो जी कहीं ना कहीं मेरे गानों से जानता है, और संगीत मेरे लिए सिर्फ एंटरटेन नहीं है, संगीत मेरे लिए पूजा है। बिना संगीत के मुझे लगता है मैं 2 बार फेल हुआ हूँ क्लास में ना, जी और मुझे लगा फर्स्ट में जब पहली बार आया हूँ तो मैं, म्यूज़िक था मेरा सब्जेक्ट तो मैं जी तब आया हूँ, तो जिस व्यक्ति को, और मैं PhD कर गया वो भी म्यूज़िक में, तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक ने मेरी ज़िंदगी को इतना चेंज किया है, इतना ऊपर वाले ने ब्लेस्ड किया है, तो मैं इससे भी दूर नहीं हो सकता। तो मेरी दो कंडीशन थी और ये दोनों माही ने बखूबी निभाया है, जी और कभी मुझे मेरे प्रोग्राम्स या फिर मेरे इस फील्ड को लेकर मुझे कभी रोका नहीं है। और दूसरी बात, फैमिली में इतना जॉइंटली इन्होंने अपने आप को ढालने की कोशिश की है, मैं बताऊं कि मुझे बहुत गर्व होता है कि जो हमारा गांव पड़ता है जी जनाहन गांव है हमारा देहा बलसन के अंदर, तो ये मुंह से कहने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात हर कोई वहाँ कहता है कि अगर परिवार हो तो जाटा जी जैसा परिवार है। जी बहुत तो मैं खूब। पूरा क्रेडिट अपनी वाइफ को देता हूँ कि जी अगर ये मतलब इस तरह से ना रहती तो शायद मेरी ज़िंदगी बहुत अलग हो जाती। जी माही झाल्टा जी ने तो आपके बारे में कुछ कंडीशंस रख दी थी आपको, कि आप हमारे घर आ रही हैं तो ये कुछ कंडीशंस रहेंगी, तो किस तरह से आप इनकी, कह सकते हैं, चुनौतियों पर खरी उतरी और एक नए माहौल में, नए परिवार को एक सूत्र में पिरोने का आपने काम किया?
जो इनकी चुनौतियाँ थी वो तो मैंने एक्सेप्ट तो कर ली थी शादी के बाद। जैसे होता है कि आप दूसरे घर में जा रहे हो, तो हम तो मतलब जहाँ हम रहते थे अपने मायके में, तो हम सिर्फ 5 थे अपने घर में जी। और फिर बहुत मुश्किल होता है आगे की एडजस्ट करना बड़ी फैमिली में, कि आपने कैसे रहना है, कैसे मतलब होता है ना जॉइंट फैमिली में कि किसी की बात बुरी लग जाएगी तो आप मतलब कैसे रिएक्ट करोगे। तो मैं हर एक चीज़ को मतलब लेती गई कि अब मतलब सबसे जो औरत का एक मेन होता है जॉइंट फैमिली में कि अपना समझो उसको, जहाँ पे आप जा रहे हो कि अपना घर समझो जी। फिर ही सक्सेसफुल होगी आपकी लाइफ, नहीं तो नहीं। तो फिर बस अपना मतलब सब कुछ मान के वही चला कि यही मेरा घर है। और आज खरी उतरने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे तो पता नहीं इनकी ओर से है कि नहीं, पर खुद से कि पूरी डेडिकेटेड हूँ अपने फैमिली के लिए, अच्छे से संभालने की कोशिश कर रही हूँ और आगे भी परिवार को लेके ही मैं भी जाना चाहती हूँ, क्योंकि बिना परिवार से तो आदमी कुछ भी नहीं है जी। तो माही जी, आपसे जानना चाहेंगे कितने वर्ष हो चले हैं आपके इस खुशहाल परिणय वाली ज़िंदगी को? हमारे ये 9 साल पूरे हो चुके हैं शादी जी। के। तो इन 9 वर्षों में किस तरह का परिवर्तन आप खुद में देखती है, मिसेस झाल्टा बनकर और पहले की जो मोहिनी थी, कितना परिवर्तन खुद में देखती है? मुझे लगता है इतना तो नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझे वैसे ही रखा है जैसे मैं थी, हंसमुख बहुत मतलब, पर ये कि इनके साथ रह के मुझे बहुत ज़्यादा और इज्जत मिली, इनका नाम मिला और काफ़ी मतलब अच्छा लगा, और भी कि मतलब पहले से ज़्यादा और अच्छी उभर के और इन्होंने मुझे निखारा है जी। जी। झाल्टा जी, जिस तरह हम देखते हैं, क्योंकि आपकी अपनी पसंद की शादी रही है, लेकिन आज का दौर इस तरह का है कि चाहे शादी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, काफ़ी ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं कि काफ़ी जो शॉर्ट टर्म रह जाती है। तो क्या आपको लगता है, आप इतनी खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं, किस तरह से चुनौतियों का सामना करते हुए हमें अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीना चाहिए? मुझे तो सिर्फ एक बात बहुत अच्छे से समझ आई अपने पिछले 9-10 साल की शादी के एक्सपीरियंस से, जी कि बहुत बार ऐसी वजह आई कि जो शायद बहुत गलत फैसले लेने के लिए थी, जी तो वो सबके आती है। और मैं सच कहूँ, उसका टाइटल होता है गलत फहमियाँ, मिस अंडरस्टैंडिंग। तो ना जाने कितने परिवार बर्बाद हुए हैं गलत फहमियों की वजह से, लेकिन उस टाइम अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा कॉपरेट करें एक दूसरे को, और क्योंकि रिश्ते बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं, जी और मेरा कमिटमेंट तो शायद अपने इन लॉज के साथ, अपने जॉइंट फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ शुरू से लेकर ये रहा है कि अगर ये रिश्ता मुझे एक साइड भी निभाना होगा तो भी मैं निभाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार रिश्ते नहीं जोड़ता। जी तो परिस्थितियां तो आपकी अगेंस्ट जाएगी जाएगी, लेकिन अगर आपकी ये मन्नत है, आपने कमिटमेंट किया है खुद से कि आपको ये रिश्ता निभाना है, तो वजह कुछ भी हो तो वो निभाना है, क्योंकि वैसे भी ज़िंदगी के 50-60 साल की उम्र तो सारी बची है जी। 50% 40% हम लोग जी चुके हैं, प्यार से जी लेते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा माही जी, सर एकदम कह सकते हैं संगीत में रमे रहते हैं, संगीत से जुड़े हैं, PhD इन्होंने की है संगीत में, लाखों हिमाचली ही नहीं देश विदेश के जो लोग हैं, आप दोनों की कह सकते हैं आवाज़ के कायल है, सर की तो पहले ही है। और अगर बात करें, अब ज़रूर आपसे गुजारिश करेंगे, क्योंकि आपने दोनों ने एक डुएट भी गाया है, तो सर इस समय जो दर्शक देख रहे हैं ज़रूर सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ में, आप ही ने दोनों ने जो डुएट गाया है वो उसकी कहानी में आपको छोटी सी बताता हूँ। जी, हमारी लड़ाई हुई और मैं रियाज कर रहा था, अपना गाना गा रहा था, तो वो कुछ कर रहे थे, कहते हैं कि आप बंद करो, कहते अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो मैंने बोला देखो मुझे मत रोको, तो हमारी कुछ बहस हो गई। फिर मैंने ना ऐसे शब्द गाना शुरू कर दिया, मैंने कहा मैं तेरे ऊपर गाना बनाता हूँ, तू रुक जा। तो मैंने नेगेटिव गाना शुरू किया और मुझे वो गाना अच्छा लगने लगा, एज अ कंपोजिशन अच्छा लगने लगा। फिर मैंने उसको चेंज किया जी। ना उसकी लिरिक्स चेंज करे, उसमें देखो एक हमारे साथ ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छी बात ये भी की है कि माई का जो बर्थडे है उसी दिन हमारे घर में एक बेटा भी जन्म लेता है जी। तो जो हमारा बेटा मानस है उसका बर्थडे और माई का बर्थडे सेम डे आता है जी। तो मैंने उस गाने में वो सारी चीज़ें मेंशन की है, वो सोशल मीडिया मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे वो गाना पड़ा है जी। मोहिनी के नाम से था वो गाना, और क्योंकि वो नहीं गाती है लेकिन मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं माही को बोलूँ कि यार आप भी तो गा दो। तो
उसके बोलते हैं और कहा भी जाता है संगत से रंगत होती है। जी बिल्कुल मैम। हो डाड़ी बोलो फूलो ललुमरो बानो बानो मेरी मोहिनी रे, हो डाड़ी बोलो फूलो ललुमरो बानो बानो मेरी मोहिनी रे, बोलो रंगे रूपे तू नारण सवारी, रंगे रूपे तू नारण सवारी दिता सुदो बुदो राठणो ठाणो मेरी मोहिनी रे। मतलब मैंने इसको उल्टा गाया था कि तू तू जितनी अच्छी दिखती है तू मेरे साथ बिहेव क्यों नहीं इतना अच्छा कर रही है। फिर मैं जब इसको इस तरह से मैंने कहा मैं अच्छा ही गाता हूँ कि दीता बोलो सुदो बुदो राठणो, कि भाई एक तो तू देखने में सुंदर है और ऊपर से तू समझदार है। मैंने कहा मैं सच में बहुत रियल हूँ, बहुत अच्छी मेरी किस्मत है कि मुझे आप जैसा साथी मिला। फिर उस गाने में शायद हमने जोड़ा था, माँ बेटे राबे जन्मदिन, माँ बेटे जन्मदिन आउंदा की दिने दिने मेरी मोहिनी रे, हाय बोला लाए की दिने, क्योंकि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। जी तो माही गाती है कि सुख दुख रे बेपल हमारे, सुख दुख रे पल हमारे, परिवार साथे जीने जीने मेरे साजना रे। तो बहुत अच्छा गाना, एक डेडिकेटेड है, एक परिवार के लिए हमने गाया, एक दूसरे के लिए गाया। जी तो आपने बखूबी सर का साथ इसमें दिया, अभी शायद आप नहीं गा पा रही है किसी सिख दौर में आप चली गई हैं विवाह के दौर पर, और आपने संगीत की क्या आपने भी संगीत की दीक्षा ली है कुछ इस तरह का रहा है? हाँ, उन दौरान कोरोना का टाइम था तो मतलब ऐसे थे कि उस कुछ क्या था उस टाइम था चलिए, यानी आपने संगीत की सर को समझकर यानी झाल्टा जी की इन्फ्लुएंस में आकर आपने भी घर पर काफ़ी सपोर्टिव है, और मतलब इनका होता कि कुछ ना कुछ करना चाहिए तो ये मुझे बोलते थे कि माँ ही कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो इनका म्यूज़िक से है ये, तो इन्होंने मुझे बोला तो क्यों ना तू म्यूज़िक में कर लें, तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैंने आईसोडोल से म्यूज़िक में ग्रेजुएशन की है। हाँ जी जी, चलिए अब कुछ जानते हैं आप दोनों के एक दूसरे के बारे में, तो माही जी आपसे जानना चाहेंगे सर के बारे में कुछ प्रश्न। सबसे पहले सर के पहले म्यूजिकल गुरु कौन रहे हैं? इनके शांडिल सर ही रहे हैं। सही है सर? शांडिल सर एमए के दौरान थे, उससे पहले जब मैं कॉलेज में था तो प्रोफेसर संगीता मैम जी। जी, और अगर सर की पहाड़ी डिश की बात करें तो सर की फेवरेट पहाड़ी डिश आपके हिसाब से कौन सी है? वैसे तो हमेशा लाइट खाना खाते हैं, लेकिन हमारे तो है ही लोकल डिश सिड्डू, तो इनको सिड्डू ही बहुत पसंद है। जी सही है सर? बिल्कुल ये जी। अच्छा माही जी, अगर सर के पास दो ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है बच्चों को संभालना है और दूसरी ऑप्शन है खाना बनाना, तो सर किसे ऑप्ट करेंगे? ये बच्चों को बहुत अच्छे से, बच्चे बहुत खुश रहते हैं इनके पास, क्योंकि वो बच्चे भी इन्हीं की तरह म्यूजिकली है, सारे दोनों गाने वाले हैं, और ये हारमोनियम लेके बैठ जाएंगे तो बच्चे साथ साथ ही गाना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है ये बच्चे को बहुत अच्छे से बखूबी से देखते हैं। जी, और जानना चाहेंगे आपके अलावा सर के जो मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा डायल्ड नंबर किसका रहता है? या तो मेरा रहेगा या फिर शारणी सर का रहेगा, दो में से एक है। ये बात सही है। जी, अब तो सही कहना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो बात सच में सही है। मैं गुरुजी से, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ मैं अपने गुरुजी की वजह से ही हूँ, प्रोफेसर शांडिल जी की वजह से हूँ, और दूसरा मेरी जीवन साथी नहीं जो है, तो मुझे भी बार बार इनको फ़ोन करना अच्छा लगता है, और ये बार मुझे भी फ़ोन करते हैं बस। जी बहुत बढ़िया। चलिए झाल्टा जी आपकी ओर आते हैं और मैम के बारे में कुछ जानते हैं। मैम को अगर आपने गिफ्ट करना हो तो मैम मेकअप किट पसंद करेगी या कोई ड्रेस? ड्रेस करेगी। जी, तो कितनी ड्रेसेस आप गिफ्ट कर चुके हैं अभी तक? वो मैं भी नहीं जानता। और मैंने एक सवाल पूछा था, मैंने कहा माही आप बताओ कि आपके पास, एक बार मैंने कहा अगर आप बता दोगे आपको मैं वो दूंगा जो आपको चाहिए, कि मुझे टोटल नंबर्स ऑफ आपके कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो नहीं तो बता कितनी है। अच्छा माही जी को खाने में क्या पसंद है, तीखा मीठा या फिर खट्टा? ये तीखा खाती है। जी, तीखी है मतलब। जी, स्वाद तीखा है। जी, और अगर बात करें सर झाल्टा जी, अगर मैम यानी माही जी जो हैं
अगर कहीं पर जाना पसंद करती हैं तो कौन सा इनका फेवरेट डेस्टिनेशन रहेगा? शिमला के अंदर एक तो नॉर्दर्न वाइब्स है टूटू के साथ, वहाँ पर ज़्यादातर हम लोग जाते हैं जी डिश के रख के लिए, हाँ खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी तो चलिए, घूमना और फिरना कम ही होता है हमारा, समय जी नहीं मिल पाता है। एक और प्रश्न जानना चाहेंगे, जी हाँ, अगर बात करें रील बनाने की, मैम दो चीज़ों में से क्या करना ज़्यादा आसान समझेगी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील बनाना या फिर आपको बनाना? देखो वैसे तो मुझे बनाना ये ज़्यादा वो करती है, पर सोशल मीडिया पे आसान मैम के लिए रील रील बनाना बनाना जी। चलिए, आपने इतनी अच्छी खट्टी मीठी यादें साझा की, इसी तरह से आप खुशहाल रहें, संगीतमय आपका सफ़र रहें और आप दोनों स्वस्थ रहें, इसके लिए आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे बीच रहे हैं डॉक्टर मदन ढालता जी और उनकी धर्मपत्नी मोहिनी वर्मा जी, आप दोनों का थैंक धन्यवाद। और यू। जाते जाते हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप दर्शकों के लिए कुछ और, खासकर मैम के लिए कुछ जो गीत हैं डेडिकेट करें। चलिए, जिस गीत से मेरी काफ़ी ज़्यादा पहचान है, और कि तू गढ़वाली तो आ हिमाचली, आ तेरा फूल तू फूल और कली, घगरा तेरा है लोया मेरा, ऊंचे पहाड़ों दा रहन बसेरा, हो चाला हर बाबे कंडवाणी चाला रे चाला मेरी माला रे, हर बाबे कंडवाणी चाला रे चाला मेरी माला रे, हो माला रे प्यारी प्यारी मेरी माला रे, हो चाला रे कंडवाड़ी घूमदा चाला रे, उबा तो बोलना गंगड़ू माला रे, तेते बाजी जालो ना बाणो रे, हो मर जाए ना बांठने माला रे, हो मारे कपड़ू पुराने बोलना कोई बोलो रे, हाय प्यारी मेरी माला रे, मारे कपड़ू पुराने बोलना कोई बोलो रे।